हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आप देख रहे हो ऑटो कैट ट्रेनिंग और आज है हमारा तीसरा दिन। ओके, और हम जो ट्रेनिंग स्टार्ट किया है हमने, इसमें हम सिलेबस वाइज ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप सबसे पहले क्या करो, सिलेबस डाउनलोड कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह है हमारा ऑटो कैट का सिलेबस। और मैं नीचे की तरफ आ जाता हूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो कैट ट्रेनिंग सिलेबस। यह है हमारा कोर्स आउटलाइन। जैसा कि सबसे पहले हमने डे वन में देखा था ऑटो कैट के बारे में, इन सभी चीजों को मैं इनसाइड टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया है। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख लो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट तीसरे दिन पे आओगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ सकती हैं। तो पहले आप क्या करो, डे वन और डे टू को कवर कर लो, फिर डे थ्री पे आ जाओ। ओके, आज की हम डे थ्री में क्या क्या देखने वाले हैं इसे हम पहले समझ लेते हैं। आज हम ड्राइंग प्रिसिशन की बात करेंगे कि हम ड्राइंग बनाते कैसे हैं। और ऑफिशियली है, जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत सारे कमांड का यूज करेंगे, तो उस कमांड को हम देखने वाले हैं। हम सबसे पहला कमांड होगा हमारा लाइन कमांड। ओके, और उनकी सारी चीजें देखेंगे हम। तो इस तरीके से आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट हो जाइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपको सबसे पहले आ जाना है यूट्यूब के ऊपर। यहां पे डालना है आपको KHALID खालिद महमूद, प्रेस कीजिए एंटर। तो हमारा चैनल ओपन हो गया है। और यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ठीक है, जिससे कि आपको हमारे आगे की जितनी भी वीडियोस आने वाली है सबका अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ ऑटो कैट अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। जैसा कि मैं हमेशा बताता था और अभी भी बता देता हूं मैं आपको कि ऑटो कैट का हम 2017 का वर्जन यूज कर रहे हैं। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे वर्जन एक ही होते हैं। थोड़ा सा अभी जैसे ही वर्जन अपडेट होता है तो थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, बाकी के हमारे मेथड में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन कमांड है क्या, ठीक है, और हमें ये कहां पर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना है ड्रॉप पैनल के ऊपर। ड्रॉप पैनल में आने के बाद यहां पर आपको मिलेगा लाइन कमांड। ओके, दूसरा लाइन कहां पर मिलेगा हमें, अगर आप शॉर्टकट कमांड से काम कर रहे हैं सो एल प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड से एल प्रेस करेंगे तो आपको लाइन कमांड मिल जाएगा। प्रेस करना है आपको एंटर। जैसे ही आप लाइन एल प्रेस करके एंटर करेंगे तो आपका लाइन एक्टिवेट हो जाएगा। और हमें कैसे मालूम चलेगा एक्टिवेट हुआ है या नहीं, आपको यहाँ पे नीचे की साइड ये जो आप देख रहे हैं कमांड बार, ठीक है, यहाँ पे आपको वो कमांड जो भी कमांड आप रन कर रहे हैं यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो ये दो मेथड हो गया आपको लाइन को पिक करने का। तीसरा मेथड जो है हमारा, इसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में और नीचे मिलेगा आपको शो मेन्यू बार, इसे आप शो कर लें। शो करने के बाद आपको आना है ड्रॉ के अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन कमांड। ओके, कोई डाउट है आपको, मुझे उम्मीद है कि नहीं होनी चाहिए डाउट। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन हम अगर क्रिएट कर रहे हैं तो इसके कितने मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसे देखने से पहले मैं देख लेता हूं लाइन कमांड। मैंने यहां से लाइन कमांड को पिक किया और आप यहां पे आकर क्लिक किया, मैंने फर्स्ट पॉइंट, किसी भी फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कीजिए आप। मैं इसे डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर देता हूं, मैं बाद में बताऊंगा आपको। एल फॉर लाइन, देखिए यहां पे देख रहे हैं आप लाइन कमांड। सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे आप। कहीं भी आपको जो भी सेकेंड पॉइंट होगा उस पर आप क्लिक करके इस तरीके से लाइन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल लाइन कमांड कैसे बनाते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, लाइन कमांड पिक करना है यहां से और आ जाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है आपका इस पे आपको फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और दूसरा पॉइंट जो भी है आपका उसे ले लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसे बोलते हैं हम सिंपल लाइन, मतलब विदाउट मेजरमेंट, विदाउट एंगल, विदाउट डिस्टेंस, ये हमने बना लिया है। अभी मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं इसे करूंगा सिलेक्ट, कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और डी फॉर डिलीट, सॉरी ई फॉर इरेज कर लीजिए आप, ई फॉर इरेज,
तो ये इरेज हो जाएगा। ओके चलिए इधर बढ़ते हैं। तो लाइन मुझे क्रिएट करना है मेजरमेंट के साथ, और उस पर भी हमें ध्यान देना है कि हमारी लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट क्रिएट हो, बिल्कुल हमारी लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट क्रिएट हो, बिल्कुल सीधी, या फिर वो हॉरिजॉन्टली हो या फिर वर्टिकली हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन कमांड हमें यहां से लेना है, लाइन कमांड, और यहां पे आना है। देखिए लाइन हमारी सीधी क्रिएट नहीं हो रही है, इसके लिए आपको यहां पे स्टेटस बार में देखिएगा ऑर्थो मोड, देख रहे हैं आप, तो आपको इसे चेक कर लेना है। जैसे आप इसे चेक करेंगे तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट क्रिएट होगी। ओके देखिए आप बिल्कुल सीधी लाइन क्रिएट हो रही है, और जैसे ही आप इसे ऑफ कर लेंगे तो ये हो जाएगी लाइन हमारी विदाउट ऑर्थो, यानी कि हमारी लाइन जिगजैग नहीं, सिंपल सीधा लाइन क्रिएट नहीं होगा। तो अगर मैं इसे देखूं तो मैं इसे आपको जरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये है हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट, और मैं आपको बता दूं ये रहा हमारा, ये नीचे की साइड आप देख रहे हैं, तो ये है हमारा ऑर्थो। ओके इसको एक्टिवेट करने के लिए हम F8 की प्रेस करते हैं, F8। हाँ हमारे एक स्टूडेंट का लास्ट वीडियो में कमेंट भी आया था कि सर आप जो भी चीजें बताते हैं उसके लिए आप मुझे वहां पे शो कर दिया करें स्क्रीन पे, तो आप इसे देख लीजिए। ऑर्थो ऑन और ऑफ करने के लिए हम F8 की प्रेस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बनाया था एक टेक्स्ट। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है लाइन को, अब क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट करना है फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद डायरेक्शन देना है, फिर वैल्यू पुट कर देना है। तो ये सिंपल है, इसे भी आपने देखा। और दूसरा क्या है, अगर आप ऑर्थो ऑन करना चाहते हैं तो मैं यहां पर ही नोट कर देता हूं, ये हो गया हमारा यहाँ पे ORTHO, ऑर्थो ऑन एक्टिवेट करने के लिए CTIVATE, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए, डीएक्टिवेट करने के लिए हमें प्रेस करना है F8, फंक्शन की से आपको F8 प्रेस करना है, तो आप किसी भी लाइन को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर पाएंगे। ओके क्लियर है, मैं जरा इस इमेज पे दिखा दूं आपको, ठीक है, यहां से आप शो कर देता हूं मैं, ये है हमारा ऑर्थो। ओके तो इस चीज को हम ऑर्थो बोलते हैं, चलिए मैं इसे कट कर देता हूं। ओके अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं कंट्रोल ए करूंगा और यहाँ पे आकर इरेज कर लेंगे। तो ये हमने लाइन देखा कि हमें किसी भी लाइन को अगर मुझे स्ट्रेट बिल्कुल सीधी क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे। इस पे मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मुझे एक रिक्टेंगल क्रिएट करनी है, रिक्टेंगुलर शेप क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे L4 लाइन, एंटर किया हमने, रिक्टेंगुलर लेना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा नीचे की साइड, और यहाँ पे आकर ऑर्थो ऑन कर लूंगा, या फिर अपने आप लैपटॉप से F8 प्रेस कर लेंगे। ओके और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो नीचे दिखा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मुझे इस फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर लेना है। देखिए आप लाइन क्रिएट हो रही है। देन सेकेंड क्या है, आपको लाइन की, आप कितने की लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब उसकी यूनिट क्या होगी, कितने एमएम की लाइन क्रिएट करना चाहते हो आप, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं 5050। देखो आप, मैंने 5050 किया है कि लाइन काफी बड़ी हो रही है और ये कहां तक है मुझे मालूम भी नहीं है, तो इसे आप जूम आउट करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है टॉप के ऊपर और क्लिक कर लेना है। तो देखिए आपको ये लाइन की मेजरमेंट मिल गई। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पैन करने के लिए यहाँ पे आना है, इसे पैन कर सकते हैं आप, यानी अपनी इसे ऊपर कर सकते हैं। अब पैन कमांड से मुझे अगर बाहर आना है तो मुझे एस्केप की प्रेस करनी है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड के कीबोर्ड के लेफ्ट साइड के सबसे अपर कॉर्नर में कोने में एक की मिलता है, उसे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये हमने लिया 50, मैं डाउन साइड की तरफ आ रहा हूं और यहां मैं प्रेस कर रहा हूं 20, एंटर। अगेन मैं आगे की तरफ जब बढ़ रहा हूं तो मुझे ले लेता हूं 100। अभी एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे आप देख रहे हैं ना 100, तो ये चीजें शो कर रही है, बहुत सारे लोगों के लैपटॉप कंप्यूटर पे शो नहीं करती है, उसके लिए क्यों नहीं शो करती है, इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना है। जब आपका डायनेमिक इनपुट ऑन रहेगा तो ये चीजें शो करेगी, अगर ये ऑफ होगा तो ये शो नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने क्या एंटर, सॉरी
50 लीजिए आप, 5050 एंटर। अभी देखिए यहां पे भी दिख रहा है, तो मैं यहां पे डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर लेता हूं। देखिए ऑफ किया मैंने, यानी कि अगर यहाँ पे ब्लू कलर का सिंबल सिंग नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो समझिए वो डीएक्टिवेट है। ऊपर की तरफ आया और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 20, तो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ पे 20 दिख रहा है हमें। ओके, और मैंने प्रेस किया एंटर। तो इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया 50/20 की। तो ये था हमारा ऑर्थो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज के लिए एक पीडीएफ दे रखा है, आप इसे एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रमोद जी की एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे ट्रेनर है, रेवी भी अच्छे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस है इनका, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। फ्लोर हब करके प्लान, फ्लोर हब प्लान करके इनका चैनल है, ठीक है, आप इनकी चेक कर सकते हैं वीडियोस। तो ये देखिए आप, इनमें इन्होंने बताया है, जैसे मैंने अभी इसे देखा 50/100 करके रेक्टेंगल, अगर मुझे इस टाइप का रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट कर लू मैं, ठीक है, 100, 20, 60 और 20। तो मैं देख लेता हूं इसे, यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं बनाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं ले लेता हूं इसे, मैं यहां से स्टार्ट करूं अगर मैं बनाना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओके, अगर मैं यहां से बनाना स्टार्ट करूं तो ये हमारा जो है, पहले 100 का लाइन क्रिएट करना है मुझे, अगेन 60 का, देन अगेन 20, देन अगेन जो भी मेजरमेंट हमारा बचेगा यानी कि 80, देन 20, तो हम इसे क्रिएट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे आ जाइए आप। सबसे पहले क्या करना है आपको, लाइन कमांड लेना है, यानी कि एल शॉर्टकट कमांड हमारा, एल फॉर लाइन, और स्पेसिफिक पॉइंट पे क्लिक कर लेना है हमें। क्लिक किया हमने, अभी आपको डायरेक्शन देना है, किस डायरेक्शन में आप बनाना चाहते हो। तो मैंने डायरेक्शन दिया और मैं लाइन का मेजरमेंट जो है वो है हमारा 100, प्रेस किया एंटर। देखिए काफी बड़ा दिख रहा है, तो आपको आ जाना है यहाँ पे टॉप पे क्लिक करना है, तो ये साइज छोटी जाएगी, ठीक है, या फिर आप माउस के दोनों माउस के क्लिक करने वाला जो है उसके बीच में एक व्हील करके दिख रहा होगा आपको, इस व्हील को अगर आप अपनी तरफ घुमाएंगे और वापस दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन और जूम आउट का काम करेगा। अगेन अपर साइड में मैंने डाला 60 एंटर, देन अभी अगेन ये डायरेक्शन देना है, मैं लेफ्ट साइड में डायरेक्शन दूंगा और यहां पे मैं पुट करूंगा वैल्यू 20 एंटर। अगेन मैं डाउन साइड की तरफ आ रहा हूं, यहां पे मुझे वैल्यू डालना है फॉर एग्जांपल 40, सो मैं डाला यहाँ पे 40, जो भी मैं वैल्यू डाल रहा हूं वो नीचे की तरफ शो करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने डायनेमिक इनपुट ऑफ किया है। ठीक है, प्रेस किया मैंने एंटर, अगेन मैं यहां पे डाल देता हूं 80, ठीक है, तो ये हमने 80 ले लिया। अब मैं डायरेक्शन ना दूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे डायरेक्शन नहीं देना है, मैंने अपर साइड डायरेक्शन दिया है, और आपको इतना बनाकर क्लोज कर देना है, इस डायग्राम को आपको इसे क्लोज करना है, तो सी फॉर क्लोज कर लीजिए आप। ये देखिए ये ड्रॉइंग हमारी क्लोज हो गई है, तो हमने इसे बना लिया। तो ये हमारा लाइन जो था वो ऑर्थो के साथ था, कि अगर ऑर्थो के साथ अगर हम किसी भी इमेज को बनाना चाहते हैं, किसी भी डायग्राम को बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, ये सिंपल देखा आपने। अब ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट देखते हैं, हल्का सा, एक लेवल आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने यहां पे देखिए एक इमेज बना रखी है, दूसरी इमेज ये रहा, ठीक है, अभी मैं इसे बनाने वाला हूं, तो मैं इसे कर लेता हूं थोड़ा मिनिमाइज, ठीक है, या फिर आप अगर इस इमेज को अपने सिस्टम पे लेना चाहते हैं तो इसके लिए यूज करना है आपको एक्सटर्नल डिफरेंस कमांड, XER, एक्सटर्नल डिफरेंस। देखिए सबसे पहला जो दिख रहा है ये एक्सटर्नल रिफरेंस, क्लिक कीजिए आप यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, यहाँ पे ड्राइंग वन दिख रहा है, जो कि ये हमारा ड्राइंग है, इसका नाम है हमारा ड्राइंग वन, ठीक है, आप यहाँ पे आइए, DWG ने इमेज लेना है, अटैच इमेज पे क्लिक कीजिए, और यहां से आप उसमें क्या होगा वो आपकी इमेज शो नहीं करेगी, ठीक है, तो मैंने इसे ले लिया और मैं यहां से प्रेस कर लेता हूं और ये हमने क्लिक कर लिया यहाँ पे एक इमेज, तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है। अब आपको करना क्या होता है, इसे स्केल कर लें, आप स्केल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, सिलेक्ट किया हमने SC4 Scale एंटर, बिल्कुल आप यहां से एक पॉइंट ले लीजिए, क्लिक किया आपने यहाँ पे नीचे की तरफ आइए, रिफरेंस लिया हमने फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, ठीक है,
अगेन आपको कहां तक रखना है, तो ये हमने यहां तक ले लिया और आप यहां पे आगे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप इमेज को प्रॉपर तरीके से यहां पर देख पाएंगे। तो चलिए, अभी आपका ऑप्शन क्या था लाइन कमांड के लिए, एल फॉर लाइन, ठीक है। यहां पर देखिए लाइन कमांड आपने देख लिया, या फिर यहां से आप ले सकते हैं लाइन कमांड। आपको अगर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, 2020, देन अपर साइड की तरफ आइए, ठीक है, अपर साइड की तरफ कितना है हमारा 20, एंटर। अगेन डायरेक्शन देना है मुझे लेफ्ट साइड की तरफ, जो कि हमारा डायरेक्शन है 1515, एंटर। अगर ऐसा थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप तो डायनेमिक इनपुट को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपकी सारी चीजें दिखेंगी। ये है हमारा 10, एंटर। अगेन यहां पे आगे की तरफ आते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1515। अगेन डाउन साइड की तरफ आइए आप, 2020, देन अगेन डायरेक्शन दीजिए 10, एंटर। डाउन साइड की तरफ 10, एंटर, और मैंने इंटर कर स्कैप करके बाहर आ गया। मैंने स्केलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, इसके लिए ये प्रॉब्लम आई है। तो ये देखिए इस जैसा ये इसे बना पाए हैं हम, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है। मुझे उम्मीद है कि लाइन आपने पोलर के हिसाब से लाइन कैसे क्रिएट करना है पोलर मेथड से वो आप सीख गए हैं। तो अभी हम चलते हैं सेकेंड मेथड पे, जो कि हमारे सिलेबस में दिया है सेकेंड मेथड। ये हमने देखा ऑर्थो मोड, अभी सेकेंड है पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट, तो हम इसे कैसे देखेंगे वो चीजें देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा पोलर ट्रैकिंग, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट 0.0, ये होता है हमारा एक्स 0 यानी ओ, और ये होता है हमारा एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अपने 10th के एग्जाम में या फिर 8th में भी होता है। तो ये चीजें होने के बाद अगर आप आगे की तरफ बढ़े, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक लाइन क्रिएट करनी है, तो ये तो हमने देखा कि ऑर्थो मोड से हमने बना लेना है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कि अगर आपको यहां से एक लाइन क्रिएट करनी है कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है, या फिर मैं इसको इस तरीके से शो कर दूं, यहां से मैं एक लाइन ले लेता हूं कुछ इस तरीके से, ओके, मुझे कुछ यहां से कुछ इस तरीके से एक लाइन क्रिएट करनी है, और ये एंगल मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। अगर ये एंगल मुझे मालूम हो जाता है, फॉर एग्जांपल इसका एंगल जो है वो 45 है, ठीक है, तो मुझे इस तरीके का लाइन क्रिएट कैसे करना होगा, जैसे कि मैं इसे आगे की तरफ ले लेता हूं, मैं मुझे कुछ इस टाइप से लाइन क्रिएट करनी है, एक बिल्कुल स्ट्रेट जो कि ऑर्थो के साथ आप कर सकते हैं, दूसरा लाइन हमें बिल्कुल एंगल पे क्रिएट करनी है, यानी कि ये इस पॉइंट से लेकर यू, और इसका एंगल जो है वो है हमारा 45, ये है हमारा 45 एंगल, और ये जो हमारा लाइन का डिस्टेंस है इस पॉइंट से, इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये है हमारा 50, और अगेन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी है हमारा 50। तो अगर मुझे इसे क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, यानी कि लाइन विथ एंगल अगर हमें क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम आ जाते हैं डायनेमिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे यहां पे हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो मैं इसे थोड़ा सा साइड कर लेता हूं पेन। आपको सबसे पहले क्या लेना है, लाइन कमांड, एल फॉर लाइन, एंटर। आप स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कीजिए, आप ऑर्थो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया कि अगर आपको लाइन क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल 45 एंगल की और 50 डिस्टेंस की, सबसे पहले आपको प्रेस करना है एट द रेट कमांड। एट द रेट प्रेस करने के बाद 50, ये जो पहले आपको क्रिएट करना है वो लाइन की विड्थ होगी, लाइन की क्या होगी, विड्थ। और सेकेंड में जब आएंगे हम, उसके लिए हमें यूज करना है मिनिमम, मिनिमम का सिंबल।
देखते हैं कि ये लाइन जो है अब हमारी बड़ी और छोटी नहीं हो रही, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही है, ये बिल्कुल इतने पर आकर ही ये रुक गया है। अभी ये एंगल का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे मुझे, तो मैं यहाँ पे 45, ये है हमारा सेकेंड ऑप्शन एंगल का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 45 एंगल डाला और क्या करना है आपको, प्रेस करना है एंटर और आपको स्कैप करके बाहर आ जाना है, ठीक है। अब चेक करना है हमें कि ये लाइन हमारी 45 की है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करनी है, L4 लाइन, और बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन आप क्रिएट कर लीजिए, ओके। आप यहां पे आएंगे नोटेशन टैब में और यहां से आप इसे एंगुलर को चेक कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, देखिए आप एंगल 45, ओके। तो इस तरीके से आप अपने लाइन को एंगल के साथ क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, प्रमोद जी के ही एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहां से एक इस ऑब्जेक्ट को बनाना सीखते हैं, इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपने देखा सिंपल रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करते हैं, अगर मुझे इस एंगुलर पे करना है क्रिएट तो कैसे करेंगे, लाइन की मदद से। यहां पर देखिए दे रखा है दोनों के बीच का एंगल है 90 और इस लाइन का डिस्टेंस इसने दे रखा है 100। तो आपको समझने के लिए क्या करना है, देखिए अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो ये तो सिंपल आपने स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर ली, ठीक है। और अगर दूसरा पॉइंट आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर इसने एंगल दे रखा है कितना 45, तो यहां से आपने 45 के एंगल पे लाइन क्रिएट कर ली है। आपको सेकेंड क्या करना है, अभी यहां से ये हो जाएगा हमारा जीरो, ओके, ये हमारा जीरो और ये जो है एंगल ये हो जाएगा हमारा 90। तो आपको यहां से ऐड करना है, ये हमारा 90, देन ऐड करना है इसे, तो ये 90 और ये हमारा हो जाएगा 45। क्यों, कि अगर आप में यहां से लाइन देखेंगे एक, ठीक है, तो ये टोटल इस पूरी की बात की जाए अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये हमारा 90 का एंगल हो रहा है, ठीक है, 90 का ये होगा हमारा दोनों मिलाकर। तो अगर मैं इसे हाफ करूं तो ये हो जाएगा हमारा 45। तो यानी कि अगर मैं इस तरीके से इस दोनों यहां से इस एंगल को क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, 90, ये हमारा 90 हो गया, देन प्लस ये हमारा 45, ठीक है, 45, ओके। तो पहले हम इसे क्रिएट करते हैं, फिर हम इसे क्रिएट करेंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं, सबसे पहले मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली, यहां से लाइन का जो मेजरमेंट दिया है वो 100 है, ओके। तो मुझे डालना है @ कमांड 100, उसके बाद शिफ्ट के साथ मिनिमाइज का आपने ऑप्शन डाला और एंगल क्या होगा हमारा 45, तो मैंने एंगल डाला यहां पे 45, प्रेस कीजिए एंटर, ठीक है। तो ये लाइन हमने क्रिएट कर लिया, अभी सेकेंड किसे करना है, हमें इसे बनाना है इस पोर्शन को। तो आपने देखा कि ये 90 प्लस 45 यानी कि 135 की हमें लाइन क्रिएट करनी है। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, अगेन क्या करना है मुझे, यहां से यानी ये हमारा जीरो है, इधर की साइड आएंगे, तो सबसे पहले हमें लाइन का मेजरमेंट डालना है, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूं। @ कमांड लीजिए, @ के बाद आपको डालना है 100, शिफ्ट के साथ मिनिमाइज और यहां पे एंगल डालना है 135, प्रेस कीजिए एंटर, ओके। तो यहां तक क्लियर है आपका, अगेन मैं जब आता हूं अपने, ठीक है, तो हमने इसे देख लिया। अभी अगर आप यहां पे आ जाते हैं, यहां तक हमने क्रिएट कर लिया है, तो अगेन यहां पे बिल्कुल वही काम होगा, बिल्कुल ये हमारा जीरो हो गया। तो जीरो के बाद आप दूसरा क्या करेंगे इस तरीके से, तो इस एंगल को तो लेंगे ही, अगेन इसे भी लेंगे क्योंकि ये हमारा हो गया 180, तो ये हो गया 180। और अगेन अब बात करें इस पार्ट की, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए आप, इसी ये ओरिजिन पॉइंट है और मुझे यहां से लाइन क्रिएट करना है, कभी भी यहां से लाइन क्रिएट होगा, तो इस पोर्शन से तो ये 90 हो गया हमारा, अगेन ये 90, तो 180।
अगेन अगर मैं इसकी 90 की बात करूं तो 270 हो जाएगा हमारा, और 270 और इस 90 के अगर मैं हाफ करता हूं तो 45 हो जाएगा। तो आपको ऐड क्या करना है यहां पे, ये जो है ना हमारा 180 होगा, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया था, 180 प्लस 45 तो क्या हो जाएगा हमारा 225 यानी 225। तो आप यहां पे आ जाइए, कंट्रोल एट द रेट का मान लिया हमने, 100 mm की लाइन क्रिएट करनी है, शिफ्ट के साथ आप लेस देन का प्रयोग करें और इसके बाद यहां पे एंगल जो डालना है मुझे 225 यानी 225 प्रेस कीजिए एंटर, देन आप अभी इसे क्लोज कर सकते हैं यू ओके। अभी हम इसे चेक करेंगे, यहां से मैंने इसे कुछ एक बिल्कुल भी स्ट्रेट एक रिफरेंस लाइन मैंने क्रिएट कर लिया। अभी मुझे एंगल चेक करना है, मैं इसे इरेज कर देता हूं, एंगुलर कमांड पे आ गए, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, ये हमारा एंगल हो गया, अगेन फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, इस एंगल को चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, और यहां से हम इस लाइन का मेजरमेंट देख लेते हैं, अलाइन कमांड, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। अभी क्या है, काफी छोटी दिख रही है, तो आपको क्या करना है, D4 डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई, यहां पे आ जाइए प्राइमरी यूनिट में, यहां पे जीरो कर लीजिए आप, फिट पे आकर ओवर ऑल स्केल 20 एंटर ओके, सेट करेंट क्लोज। तो देखिए आप, ये लाइन का एंगल जो है हमारा 45 दिखा रहा है, ये हमारा प्रॉपर 90 था, ये 90 और ये 100 ओके। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट मेथड से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा ठीक है। तो मैंने क्या देखा, एक हमने देखा सिंपल लाइन, दूसरा देखा हमने ऑर्थो के साथ, तीसरा हमने देखा कोऑर्डिनेट मेथड, और चौथा जो था वो हमारा यहां पे आएंगे तो देखेंगे ये डायनेमिक इनपुट, क्या है हमारा डायनेमिक इनपुट। तो ये चीज है, अगर आप इसे ऑन करते हैं ठीक है, और आप किसी भी कमांड को यूज करेंगे, जैसे कि मैंने ऑफ कर रखा है, तो यहां पे कमांड बार में वो चीजें दिख रही है ठीक है, और यहां पे मुझे अगर लाइन क्रिएट करनी तो कितने बाय कितने की करनी, वो सारी चीजें नहीं दिख रही है अगर आप डायनेमिक इनपुट को ऑन कर लेते हो यहां से ठीक है। तो आप जो भी चीजें यहां पे प्रेस करोगे तो वो चीज स्क्रीन पे शो होंगी ओके। तो तीनों मेथड से हमने लाइन देख लिया है। अभी मैं देखिए एक चीज और दिखा देता हूं आपको, एंगल का ही L फॉर लाइन क्रिएट किया हमने और तो ऑफ कर लिया हमने। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है जो कि 100 mm की होगी और एंगल जो है उसका 60 है, दूसरा मेथड है लाइन का, ध्यान दीजिएगा। तो हमने 100 mm की लाइन क्रिएट की, अभी मुझे एंगल के ऊपर आने के लिए, मतलब कि मुझे इस पे आना है अगर, तो हमें यूज करना है टैब। देखिए जब टैब यूज करेंगे आप तो आप एंगल वाले पे आ जाएंगे, अब जो भी एंगल डालना है आपको 60 तो 60 डाल लीजिए आप ठीक है। वैसे हमने लाइन पे एक प्रॉपर सिर्फ लाइन कमांड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं ओके। तो करीब करीब हमने लाइन के हर एक चीज को देख लिया है। अगर बात करूं मैं एक स्टेप की, तो मैंने यहां पे लाइन कमांड का स्टेप भी लिख रखा है, ऑर्थो एक्टिवेट किया F8 से, लाइन विथ एंगल अगर मुझे क्रिएट करना है तो पहले मुझे प्रेस करना है एट द रेट, फिर मुझे प्रेस करना है वैल्यू, और उसके बाद मुझे डालना है ये सिंबल लेस देन का, फिर मुझे एंगल प्रेस करना है ठीक। जैसे कि देखिए आपने मुझे गलती हुई थी ना वो ऐड करने में, तो आप ओपन कर सकते हैं कैलकुलेटर जिसका शॉर्टकट की है F8 ठीक है। अपने सिस्टम पे ही आप काम करना है और कैलकुलेटर ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करें, तो यहां पे आपको डायलॉग बॉक्स में एक कैलकुलेटर ओपन होकर आ जाएगा, जब यहां पे आप आराम से सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं ठीक है। तो ये हमने लाइन कमांड देख लिया है, मुझे उम्मीद भी है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी हम ठीक है। तो हमने लाइन देखा, डायनेमिक इनपुट भी देख लिया, पोलर ट्रैकिंग, अगर मुझे लाइन क्रिएट करनी है पोलर ट्रैकिंग के माध्यम से तो हम कैसे लाइन क्रिएट करेंगे। अभी आप यहां पर देखें, यह है हमारा पोलर ट्रैकिंग जिसका शॉर्टकट कमांड F8 होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं POLAR पोलर TRA
CKING बुलेट ट्रैकिंग, जिसका शॉर्टकट की होता है F10। जब आप F10 ऑन क्लिक करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर तो बुलेट ट्रैकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे F10 प्रेस कर रहा हूं, तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुलेट ट्रैकिंग एक्टिवेट हो गई है। ओके, अगर हम बुलेट ट्रैकिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप काम करेंगे तो या फिर बुलेट ट्रैकिंग ऑन रहेगा या फिर हमारा ऑर्थो, दोनों में से कोई एक ही चलेगा एक बार में, एक साथ दोनों एक्टिवेट नहीं रह सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे ऑन करता हूं तो देखिए ये ऑफ हो गया, इसे अगर मैंने ऑन किया तो ये ऑफ हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है वो देख लीजिए आप। जैसे कि मैंने लिया लाइन कमांड, L4 लाइन ले लिया हमने, पोलर ट्रैकिंग किया है। इसके बगल में ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है आपको, इस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एंगल दिखा रहा है, स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, तो आप इस एंगल से लेकर आप लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है कितना, 18, 30, 45 और 60, तो इस तरीके से यानी 50 को ऐड करता गया है आगे की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूं, देखिए यहाँ पे अगर मैं जीरो पे हूं, ये हमारा जीरो एंगल है। हल्का सा मैं अगर ऊपर की तरफ आ रहा हूं, देखिए ये हमारा 10 एंगल है। क्यों है 10 एंगल, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि आप तो क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो 15 ही लिया था, 10 फिर कहां से आ रहा है। इसके लिए मैं आना ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ एडिशनल ऐड कर रखा है, तो आप इसे रिमूव कर लीजिए यानी डिलीट। यहां से मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, यहां से मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ और प्रेस किया ओके। मैंने अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए हमने 15, 30, 45 और 60 ले रखा है। सो L4 लाइन बिल्कुल आप पॉइंट पे क्लिक कीजिए, किसी भी पॉइंट, और ये हमारा जीरो एंगल पे लाइन क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ लेकर आता हूं, हल्का सा ऊपर की तरफ लेकर आ रहा हूं, तो जैसे मैं 14 एंगल पे आएंगे हम, तो यहां पे मुझे लाइन का एक पोलर एक ट्रैक दिखेगा। देखिए ग्रीन कलर में ट्रैक देख रहे हैं आप, तो 15 एंगल पे। अगेन मैं जब ऊपर की तरफ आऊंगा 30 के एंगल पे, तो मुझे एक ट्रैक दिख जाएगा, देखिए ट्रैक। अगेन मैं ऊपर की तरफ आऊंगा 30 के बाद, अगर उसमें 15 ऐड करते हैं तो 45 पर जैसे ही आएंगे आप, तो देखिए एक ट्रैक दिख रहा है हमें। तो इस तरीके से भी आप अपने लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां लेता हूं जीरो, अगेन ऊपर की तरफ आते हैं, देखिए 15। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं इजी वे में। ओके, तो ये हमारा पोलर ट्रैकिंग मेथड था, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, बहुत ही यूजफुल भी है, तो आप इससे भी ट्राई कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पोलर ट्रैकिंग। ठीक है, ओके, तो हमने लाइन को करीब करीब देख लिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। अभी मैं आगे की तरफ आता हूं, ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप को पकड़ लेता है ये। जैसे कि आपने यहाँ पे एक रिक्टेंगल क्रिएट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने एक लाइन लिया, मुझे यहां से एक लाइन क्रिएट करनी है, तो यहां पे जैसे ही आप आएंगे तो ये मिला, इसे बोलते हैं ट्रैक। देखिए यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, इसका एक ट्रैक मिल रहा है मुझे, यहां पे आ रहा हूं, देखिए मुझे एक ट्रैक मिल रहा है। तो इसकी रेफरेंस से मैं नीचे की साइड से एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसके बीच तक, इस सेंटर पॉइंट, इसके मिड पॉइंट तक लेना है, तो ये देखिए आप, ये एक ट्रैक मिल रहा है मुझे, है ना। तो आप इस तरीके से किसी भी पोलर ट्रैकिंग के माध्यम से आप किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं चलता हूं स्नैप के ऊपर, जो कि हमारे सिलेबस में दिखा रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप। ये ऑब्जेक्ट स्नैप है क्या, इसे देखने के लिए आपको क्या करना है। जैसे कि मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, और ये स्नैप क्या होता है, यहाँ पे देखिए नीचे की साइड स्नैप देख रहे हैं आप, तो ये है हमारा स्नैप। अगर ये एक्टिवेट होगा तभी हमारे किसी पॉइंट को हम पकड़ पाएंगे। देखिए इसे यहाँ पॉइंट पकड़ रहे हैं हम, ठीक है। मैं आपको जरा इसका एक एग्जांपल दिखा दूं, देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट को ही बोल रहे हैं, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये स्नैप है हमारा। इसका जो है, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए F3 को प्रेस करते हैं हम। यहां पे मैं डाल देता हूं OSNAP, स्नैप के लिए शॉर्टकट की क्या है हमारा F3।
ठीक है। और कहां पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको यहां पे, ये चीजें ना यहां पे मिलेंगी, ये रहा हमारा। अगर ये एक्टिवेट है तो समझ लीजिए कि आप अपने इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं, अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो आप इस पॉइंट पे नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे कि मैं यहां पे आ जाता हूं और मैंने इसे ऑफ कर लिया, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे आ गया, देखिए पॉइंट नहीं पकड़ रही है, कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं पकड़ेगा, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अगर आपने इसे ऑफ, बिना ऑफ किए तो काम ही नहीं होगा हमारा, ठीक है, सॉरी बिना ऑन किए, इसे हम अगर मैं ऑफ कर लूं तो मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं पकड़ सकता हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ा जूम करके मुझे लगा कि ये पॉइंट है और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक करके यूं ले लिया, तो अगर मैं इसे जूम करूंगा तो ये कहीं ना कहीं पे पॉइंट को टच नहीं कर रहा होगा, देखिए ये पॉइंट से बाहर की तरफ आ गया है, और मैं अगर चाहूं यहां से क्लिक करके मैं भी यहाँ पे रख लूं तो भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि यहाँ पे है पॉइंट, तो इसे देखिए आप, तो ये नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आप इसी चीज को यहां से इरेज कर दो इसे, और यहां से आप ओ स्नैप को ऑन कर लो, तो आप इस पॉइंट को आराम से क्रिएट कर सकते हो। एल फॉर लाइन, आपको बस सिंपल यहां पे आना है और वो अपने आप पॉइंट पकड़ लेगा, क्लिक किया आपने, कोई भी एंगल से मुझे दिखाना है, कहीं से भी कोई पॉइंट अगर मुझे दिखाना है, शो करना है, मैं यहां पे आ जाऊंगा, ओके। आप इसे जूम कर लीजिए और जूम करके देख लीजिए, जितना भी आप जूम कर लें ये पॉइंट बिल्कुल उसके साथ ही दिखेगा, ओके। तो ये था हमारा ओ स्नैप। अभी हमारे पास ओ स्नैप की कुछ सेटिंग्स हैं, मैं उसे देख लेता हूं। ओ स्नैप की सेटिंग क्या होती है, ओ एस, अगर ओ एस आप प्रेस कर रहे हैं तो ओ स्नैप सेटिंग हमारी ऑन होकर आ रही है। प्रेस किया मैंने एंटर, जैसे आप प्रेस करेंगे देखिए ये सारे स्नैप्स हैं हमारे, ठीक है ना, जो कि अलग अलग जगहों पे यूज होंगे, और हम लोग प्रोजेक्ट पे देखेंगे भी कि हम इसे किस तरीके से और कहां पे यूज करते हैं, ओके। अगर आपको इसे सभी को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लीजिए और ओके कर लीजिए, तो सब कुछ दिखेगा। क्लियर ऑल करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और प्रेस करेंगे ओके तो आपका ये स्नैप ऑफ हो गया एक तरीके से, क्योंकि स्नैप में आपने किसी भी पॉइंट को एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। सेटिंग क्या है हमारा, ओ एस फॉर ओ स्नैप सेटिंग, एंटर कीजिए आप, और यहां से आप इन सभी चीजों को ले सकते हैं। ये बेसिकली पॉइंट्स है हमारा, एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर है, ज्योमेट्रिक पॉइंट है, नोड्स है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, पॉइंट्स को भी देखते जाते हैं हम, तो अगर मैं यहाँ पे लाइन कमांड ले लू दे रहा हूं, तो मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, ऑफ है यहाँ पे, तो मैं इसे ऑन कर लिया, मैंने क्या किया इसे ऑन किया, देखिए एक मिनट, जब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है, इसे ओपन करके दिखा रहा है और ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आप किसी चीज को एक्टिवेट, किस पॉइंट को पकड़ना चाहते हैं यहाँ से, ठीक। ये चीज अगर मैं एंड पॉइंट करूं तो ये हमारा एंड पॉइंट होगा, फर्स्ट और सेकेंड। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो ये हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा। सेंटर पॉइंट की बात करूं तो सर्कल भी जब हम क्रिएट करेंगे सर्कल, उसका सेंटर पॉइंट मिलेगा। अगर मैं ज्योमेट्रिक सेंटर की बात करूं तो बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट में मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगी, ठीक है। तो मैं इन सभी चीजों को ऑन कर लेता हूं, प्रेस करते हैं ओके। अगेन देखिए मैं लाइन कमांड ले रखा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये मिड पॉइंट, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको, मिड पॉइंट, ये है हमारा एंड पॉइंट, और अगेन ये भी हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है। अब इसकी बात करूं मैं, ये जो बीच में पॉइंट देख रहे हैं इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे जिसको हम स्नैप के माध्यम से टच कर लेते हैं। जैसे कि मुझे लाइन क्रिएट करनी है तो यहां से फर्स्ट पॉइंट लिया हमने, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ज्योमेट्रिक पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, सॉरी मिड पॉइंट। इस तरीके से इस लाइन का भी मिड पॉइंट मिलेगा हमें, यहां पे भी लाइन का मिड पॉइंट मिलेगा, और यहां पे भी हमें लाइन का मिड पॉइंट मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से आप स्नैप का यूज कर सकते हैं, ओके। इतना क्लियर है, मुझे उम्मीद है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्नैप ट्रैकिंग हो गया। अभी लाइन प्रॉपर्टीज पे आना है मुझे, लाइन की कलरिंग कैसे करते हैं, लाइन की वेट क्या है, लाइन टाइप क्या है, मैच प्रॉपर्टीज क्या, इन सभी चीजों को देखते हैं। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा, सर ये लाइन पे इतना टाइम क्यों दे रहे हैं आप, इतना फोकस क्यों दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है ये हमारा लाइन, अगर आपने इसे समझ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने आधी ड्राफ्टिंग सीख ली,
30% तो अप्रोक्सीमेट सीख लिया आपने, क्योंकि हर जगहों पे लाइन का यूज होने वाला है। ठीक है, तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करके E4 इरेज कर देता हूं। ओके, यहां पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। अभी मैं यहां पे देखने वाला हूं लाइन टाइप, लाइन वेट। सबसे पहले मैं लाइन वेट देखूंगा। लाइन वेट क्या है हमारा? लाइन वेट इसकी थिकनेस को ज्यादा और कम करने के लिए यूज करते हैं, समझ रहे आप? तो कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पे आपको लाइन वेट दिख रहा है, ये है हमारा लाइन वेट। यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना, जिस भी लाइन वेट की आपको लाइन क्रिएट करनी है वो चीजें यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 50 ले लिया, इसके लेने से कुछ भी नहीं हो रहा है। जब भी आप इसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप सिलेक्शन लेंगे, यहां से जिस भी सिलेक्शन की आप लाइन लेना चाहते हैं 50 mm की। ठीक है, तो ये लाइन हमारी 50 mm की है। अगेन मैं दूसरे के ऊपर आता हूं तो ये हमारा बाईलेयर है, लेकिन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा, बिल्कुल सिम दोनों एक जैसा है। लेकिन जैसे ही इसके लिए आपको लाइन वेट को ऑन करना होगा, लाइन वेट को ऑन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो लाइन वेट यहाँ पे दिखेगा आपको। अगर इस स्टेटस बार में आपको लाइन वेट नहीं दिख रहा है तो कस्टमाइजेशन में आना है आपको, यहाँ पे कस्टमाइजेशन है, और यहां से आने के बाद लाइन वेट को ऑन कर लेना है। या फिर तीसरा मेथड है शॉर्टकट की LW फॉर लाइन वेट, प्रेस कीजिए एंटर तो आपको यहाँ पे लाइन वेट दिख जाएगी। यहां से आपको जिस लाइन वेट का लाइन क्रिएट करना है वो चीजें आप यहां से ले सकते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले कीजिए और ओके कीजिए। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लिया हमने LW यानी लाइन वेट, प्रेस कीजिए एंटर, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आपको 50 mm की चाहिए या फिर 40 mm की, जो भी लेना है ले लीजिए आप। और डिस्प्ले वेट पे आ जाइए, डिस्प्ले लाइन वेट प्रेस कर लीजिए, इसे चेक कर लीजिए और प्रेस कीजिए ओके। तो देखिए आप, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले इसे ले रखा था इसके लिए प्रॉब्लम आई, तो आप इसे भी सिलेक्ट करके उसी तरीके से यहां से आप एक्टिवेट कर सकते हैं 40 mm की। तो ये है हमारा लाइन वेट, आपने देख लिया। बहुत ही ज्यादा यूज होता है जब हम एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल बनाएंगे तो वहां पे हम इसे यूज करते हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। मैंने आपको बता दिया एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आप सिविल के हो तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कलर की तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके ऊपर ही मुझे कलर का ऑप्शन दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कलर पे क्लिक करना है और इसे आप जिस भी कलर का चाहो उस कलर का आप इसे ले सकते हो। रेड ले लिया हमने तो ये लाइन हमारी रेड हो गई। अगर आप चाहते हो ये भी लाइन हमारी रेड दिखे तो आप इसे क्या करो, सेलेक्ट कर लो सिंपली और अगेन आप यहां पे आ जाओ और यहां से आप रेड कर लो तो आपकी लाइन रेड हो गई। तो ये था हमारा लाइन। अभी क्या है लाइन टाइप क्या है, जो कि नीचे की साइड आप यहां पे देख रहे हैं लाइन टाइप। तो ये क्या है, इसकी यूजेस क्या है, इसको देख लेते हैं। ये है लाइन टाइप, यानी कि कई तरह के लाइन्स होते हैं, लाइन्स के टाइप होते हैं। डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन लाइन नहीं, वो अलग हो, टाइप्स ऑफ लाइन अलग है। ठीक है ना, ये लाइन टाइप है। टाइप्स ऑफ लाइन और लाइन टाइप में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ लाइन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए आप, लाइन पॉली लाइन, SP लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, रे लाइन, ये सारी चीजें आएंगी। और लाइन टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे मिलेगा मुझे ये चीजें। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें तीन तरह की लाइन दिख रही है, कंटिन्यूअस लाइन, एक बाई ब्लॉक, एक बाई लेयर। यहाँ पे आपको करना है लोड, जब आप लोड करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत काफी टाइप की लाइन दिख जाएंगी। देखिए, देख रहे हैं आप, बहुत सारी लाइन मिल जाएगी, जो भी आप यूज करना चाहें आप वो अपने प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल वाले ज्यादातर यूज करते हैं सेंटर लाइन की, और हम लोग भी यूज करते हैं, सिविल वाले भी यूज करते हैं इसे, जब भी हमें अपना छज्जा दिखाना होता है बाहर की चीजें, तो उसके लिए भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, प्रोजेक्ट पे देखेंगे हम। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और किया ओके, ठीक है, और मैं इसे ओके कर लेता हूं। अभी इस लाइन को मुझे डॉटेड लाइन दिखानी है, सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे आ जाना है मुझे और यहां से सिलेक्ट कर लेना है। आप कहेंगे कि हमने ऐसा किया लेकिन इसके अंदर कुछ भी डिफरेंसेस मुझे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं। इसके लिए क्या करना है आपको, LTS यानी लाइन टाइप स्केल करना है, प्रेस कीजिए एंटर और ये 1 की जगह पे आप कीजिए 0.5। क्या करना है हमें, 0.5 प्रेस कीजिए एंटर। देखिए आप, देख रहे हैं आप, क्योंकि मैंने इसकी लाइन विड्थ बना रखी है इसलिए नहीं दिख रहा है, ये देखिए आप,
अब मैं यहाँ पे करता हूँ एल टी एस एंटर, और ये 0.1 की जगह पे मैं 2 कर लेता हूँ या फिर 5 करता हूँ एंटर। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ देखिए आप दिख रहा है लाइन टाइप। अगर मैं यहाँ पे इसे ऑफ कर दू तो आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दू, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इसे व्हाइट में करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे और इसे व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे व्हाइट कर लेता हूं, शो कर रहा है। अगर मुझे इस लाइन को भी डॉटेड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा शॉर्टकट की होगा एल टी फॉर लाइन टाइप इंटर, यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। जैसे कि मैं इस दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूं, तीनों लाइनों को, शॉर्टकट कमांड डालते हैं एल टी एंटर, और यहां पे मैं इसे सिलेक्ट किया और प्रेस कर लिया मैंने ओके। तो फिर भी ये डॉटेड लाइन आ गई होगी मुझे उम्मीद है। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो एक एक करके सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया हमने, यहां से हमने ले लिया सेंटर लाइन ओके। अभी आपको इन दोनों लाइनों को भी इस तरीके से दिखाना है, जैसे कि मैंने सिलेक्शन मेथड से बताया तो नहीं हो रहा था, तो आपको यहाँ पे यूज करना है मैच प्रॉपर्टीज। मैंने यहां से लिया मैच प्रॉपर्टीज, क्लिक किया मैंने इसे, यानी कि सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट और भी डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट कीजिए आप, ये डॉटेड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसे रेड दिखाना तो आप इसे इस लाइन की जैसा भी दिखा सकते हैं, सिलेक्ट किया इसे और इन दोनों पे क्लिक कर लीजिए आप, ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। तो हमने ये लाइन टाइप भी देख लिया, लाइन की कलर भी देख ली, लाइन वेट भी देख लिया हमने। अभी आते हैं सिलेबस के ऊपर हम, ठीक है, लाइन कलर, लाइन वेट, लाइन टाइप और मैच प्रॉपर्टीज हमने देख लिया। अभी क्या कर रहा है सिलेक्शन मेथड, अभी यह है सिलेक्शन मेथड, कितने तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सिलेक्ट ऑल कैसे करते हैं, विंडो सिलेक्शन कैसे होता है और क्रॉसिंग सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन मेथड का मतलब ये हुआ कि आप यहां से, ये क्रॉस मेथड है, ठीक है, आप इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, सारे को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि आप राइट टू अगर लेफ्ट आ रहे हैं, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा, आपकी पूरी चीजों को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर स्केप किया हमने और राइट टू लेफ्ट आए हम राइट से, ठीक है, और हमने क्लिक किया, देखिए मैंने राइट से क्लिक किया है, इतना ही क्लिक कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ ऊपर की दो लाइनें सिलेक्ट हो रही हैं, ना ये एंगल सिलेक्ट हुआ, ना इस एंगल को सिलेक्ट किया, ना इसे, ना इसे, क्यों, क्योंकि इसमें जब भी पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करे, जब तक ये पूरे ऑब्जेक्ट को टच ना करे, ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट से ये है कि इस लाइन को सिलेक्ट किया आपने और इस लाइन को, दो लाइनों को सिलेक्ट किया, तो इस लाइन का पूरा पोर्शन हमारा कवर होना चाहिए, तब जाकर ये सिलेक्शन होगा, अदरवाइज ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो मैंने यहां से सिलेक्ट किया, देखिए उस लाइन के, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं आपको, ठीक है, यहां पर देख लीजिए आप, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से, ठीक है, देखिए इस लाइन को इसने पूरा कवर किया है, अगेन इस लाइन को इसने पूरा कवर किया है, इसलिए इस दो पार्ट को ये सिलेक्ट कर पा रहा है, सिलेक्ट थोड़ा सा पार्ट इसने इसका भी सिलेक्ट टच किया है, इसका भी इसने टच किया है, एंगल का इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि आप एंगल जो है वो इस पूरे लाइन का एंगल है, इस लाइन को अगर आप टच करेंगे तो एंगल शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा एंगल, ठीक है। अगर आपको पूरे को सिलेक्शन करना है तो आप यू इधर की साइड से, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, यू क्रिएट करना होगा इधर की साइड से, तो पूरा चीज आपका सिलेक्ट होकर आएगा, मतलब ओवरऑल पूरी सिलेक्शन होगी आपकी। अगर आप इसी चीज को यहां से सिलेक्ट करते हैं आप, तो जितना आप सिलेक्ट करेंगे इस थोड़ा सा भी पार्ट अगर उसका चूक गया तो वो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो मेथड थे देख लिया हमने। देखिए अगर मैं यहां नीचे की तक आ जाऊं तो देखिए, देख रहे हैं आप, अगर मैं इस तरीके से करूं तो देखिए एंगल भी सिलेक्ट हो रहा है, यहां से एंगल भी सिलेक्ट हो गया है ओके। तो ये चीज है सिलेक्शन मेथड। अब सिलेक्शन में क्या होता है कि सिलेक्ट कर रहा है ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए इसे सिलेक्ट किया, अगेन इसे, इसे एक एक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये दूसरा है पिकअप मेथड, मतलब पिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप डिलीट करना चाहें, इरेज करना चाहें, मूव करना चाहें, कॉपी करना, जो भी करना चाहें कर सकते हैं आप,
अगेन मैं चलता हूँ डिफरेंट में, देखा आपने सिलेक्शन देखा राइट, और ये अभी कह रहा सिलेक्ट ऑल से, विंडो भी देखा आपने, थोड़े थोड़े पार्ट को सिलेक्ट करना है किस तरीके से, क्रॉसिंग सेक्शन भी है। तो ये चीजें हो गई। अगर मैं बात करूं कि पूरे को सिलेक्ट करना है मुझे एक साथ, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग है आप देख रहे हैं, तो आपको करना है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है, मतलब पूरे पार्ट को आप कवर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। अभी मैं देखिए आप, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इसे सिलेक्ट किया और ई फॉर इरेज कर लिया हमने, तो इसे मुझे वापस लाने के लिए क्या करना होगा, यहां पे आएंगे तो देखिए यहां पे दिख रहा है अनडू, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे क्या करना है, इरेज किया था मैंने, देखिए यहां पे देखिए आप दिखा रहा है, इससे पहले मैंने डब्ल्यू ब्लॉक यूज किया था, पैन कमांड यूज किया है, पैन और जूम सिलेक्ट, बहुत सारी चीजें जो भी यूज किया हमने वो सारी चीजें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे बैक किया तो मैंने कुछ इस तरीके से देखा, जितना आप बैक करेंगे तो उस तरीके से आपको चीजें शो करेगी। अब ये तो हमारा था अंडू, अगर मुझे रिडू करना है तो यहाँ पे आ जाइए, आप क्लिक कीजिए, फिर ये हमारा रिडू हो जाएगा। अगर मैं शॉर्टकट कमांड की बात करूं तो कंट्रोल जेड से हम वापस जाते हैं, मतलब अंडू होगा, कंट्रोल वाई से रिडू हो जाएगा। तो ये कंट्रोल जेड से मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं, आ रहे हैं पीछे की तरफ, अगर मैं कंट्रोल वाई करूं तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, यानी कि रिडू हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये हमने देखा रिडू और अंडू का बात, क्योंकि ये भी बहुत सारी जगहों पे यूज होगा, क्योंकि जब मैं आगे प्रोजेक्ट बताऊंगा आपको तो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, कंट्रोल वाई कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको माइंड कर लेना है कि यहाँ पे सर ने क्या किया होगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आगे की तरफ। अभी कह रहा है बेसिंग ड्राइंग टूल पॉलीलाइन सर्कल रेक्टेंगल और पॉलीगॉन, तो चलिए मैं इसे भी देख लेते हैं हम, बेसिक ड्राइंग यानी ड्राइंग टूल से पॉलीलाइन क्या है, ये सर्कल क्या है, ओके। तो मैं इसे सिलेक्ट करके मैं इसे डिलीट कर देता हूं, ये है हमारा पॉलीलाइन। सबसे पहले आपने यहां पर देखा, ठीक है, कि मैंने इसे लाइन कमांड से बनाया है, अभी मैं पॉलीलाइन का यूज करूंगा और इसी चीज को मैं क्रिएट करूंगा। इसके लिए मैं मेजरमेंट यहां पे कर दूं, जिससे कि हमें वो चीजें यहां पे साफ दिख जाए, ट्वेंटी है, यहां से पकड़ लिया पॉइंट, ओके। तो ये चीजें आपने देख रहे हैं, इसी चीज को हम पॉलीलाइन से बनाने वाले हैं, किससे, पॉलीलाइन से, और फिर हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप समझिए तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि लाइन का यूज 2D में किया जाता है और पॉलीलाइन का यूज 3D में किया जाता है, इतना ही मुझे डिफरेंस समझ में आया है अभी तक मैंने काम किया है तो, ठीक है। तो आपको देख लीजिए, आपको भी समझा देता हूं मैं कि क्या है दोनों में डिफरेंसेस। तो मैंने यहां से पॉलीलाइन लिया, या फिर इसका शॉर्टकट की होगा PL फॉर पॉलीलाइन, प्रेस कीजिए एंटर, शॉर्टकट की इसका लिस्ट है, मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ मैं बता दूं, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो यहां से हमने क्रिएट करना है, आपको मैंने बताया कि अगर आपको जीरो एंगल पे क्रिएट करना है, यहां से मैंने इसे ऑन रखा है, किसे, पोलर ट्रैकिंग हो या राइट, पोलर ट्रैकिंग मैंने ऑन रखा है, और यहां पे आने के बाद आपको क्या डालना है, वैल्यू 100, प्रेस किया मैंने इंटर, आपको सेकंड में बताया डायरेक्शन देना है तो मैंने डायरेक्शन दिया, बिल्कुल लाइन की जैसा है डायरेक्शन दिया मैंने, अपर की साइड कितना है डायरेक्शन, डिस्टेंस 60, अगेन आपने लेफ्ट डायरेक्शन लिया 2020, अगेन आप डाउन डायरेक्शन लिया 4040, अगेन आपने कौन सा डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन लिया और 8080, और आप सी फॉर क्लोज भी कर सकते हैं यहां से, सी फॉर क्लोज। तो अगर आप मैं इसकी, अगर इसे मैं इरेज कर दूं मेजरमेंट को, मैं इसे इरेज नहीं करूंगा, इसे हाइड कर दूंगा, राइट क्लिक, क्लिक बोर्ड पे आ गया मैं, सॉरी आइसोलेट, और यहां से मैंने हाइड कर दिया इसे। देखिए आप, अगर आप इसे देखें, मैं इसकी ग्रिड को ऑफ कर दूं, तो दोनों में आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा,
इतना भी चेंजेस नहीं दिख रहा है आपको देखने में, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है कि मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूं अगर, तो ये पूरी की पूरी लाइन एक साथ सिलेक्ट हो रही है। और ये चीजें अगर मैं एक बार में टच करूं इसके ऊपर, तो देखिए ये पार्ट पार्ट करके सिलेक्ट हो रहा है। ओके, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर मुझे लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है और कमांड प्रेस करना है जे। जे फॉर क्या होता है, ज्वाइन लिया आपने और प्रेस किया एंटर, तो अभी क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है हमारा पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसे क्लिक किया, कन्वर्ट हो गया। ऑलरेडी ये भी पॉलीलाइन था, देखिए अभी दोनों बराबर है, दोनों लाइनें पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गई। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर इस लाइन को, इस पॉलीलाइन को मुझे लाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। इसके लिए हमें एक्सप्लोर कमांड लेना है, यानी कि एक्स फॉर एक्सप्लोर। तो देखिए ये लाइन हमें पॉलीलाइन हमारा लाइन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये डिफरेंसेस था हमारा। अभी इसे भी कन्वर्ट करना है तो एक्स फॉर एक्सप्लोर, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लाइन में। क्लियर, मुझे उम्मीद है कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। बाकी जो पार्ट हमारा बचा है सर्कल कमांड, इसे मैं, इस पर थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर होगा क्योंकि मैं इस पर एक एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा आपको, और लाइन की सॉरी सर्कल के हर एक सर्कल को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और उसके हर एक पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, सर्कल के हर एक पॉसिबिलिटीज को देखेंगे हम, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा। तो मैं आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और मैं कमेंट में देख लूं कमेंट क्या क्या आया है। सर थैंक यू, ओके वेलकम। हाँ, एक भाई का आया था कमेंट कि सर आप जो भी कमांड यूज कर रहे हो उसे प्लीज आप नोट कर दो। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे जिस भी कमांड को यूज किया है, मैंने हर एक कमांड को यहाँ पे डाल दिया है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एल टी लाइन टाइप, एल आई एन ई लाइन, टी वाई पी लाइन टाइप के लिए है शॉर्टकट कमांड एल टी, और आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं लाइन टाइप स्केल, एल आई एन ई लाइन, टी वाई पी लाइन टाइप, एस सी ए एल ई लाइन टाइप स्केल के लिए एल टी एस यूज करेंगे आप लाइन टाइप स्केल के लिए। अब आगे की तरफ बढ़ूं तो मुझे तो उम्मीद है कि सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। आप अगर नोट करना चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आप, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कहना यह था आपको कि हमने दो दिन बीच में क्लासेस नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बिजी था जॉब में, पर मैं भी कोशिश करूंगा कि रेगुलर मैं आपके लिए क्लास अपलोड कर सकूं। बस आप अपना प्यार बनाकर रखो, और वीडियोस को यार सबसे पहले तो लाइक कर दो, ठीक है। और आपको इस वीडियोस में किस चीज पे ज्यादा आपको अट्रैक्ट किया, या फिर मैं ऐसा कर लूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। यार क्या होता है, खुशी मिलती है यार, मोटिवेशन मिलता है, फिर काम करने में मजा आता है, फिर मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं आपके लिए, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि यार दोस्तों को शेयर करो, बहुत ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो कि भाई ऑटोकैड की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, जिसको भी करना है वो आकर यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है अपना। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।